हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम मोनिका नंदा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट हिंदी, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 12, दूर्त से दोस्ती। आज हम लोग क्या स्टोरी पढ़ेंगे? दूर्त से दोस्ती। दूर्त मीन्स क्या होता है आपको मालूम है? दूर्त होता है कि चलाक, मकार, इस टाइप के लोग, है ना। तो क्या होता है कि बहुत पुरानी बात थी, एक मुर्गा था, सांप उसका दोस्त था। तो ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं कि एक मुर्गा था और एक सांप जो था उसका दोस्त था। मुर्गा समय का पाबंद था। तो क्या था कि मुर्गा जो है समय का बहुत पाबंद था। सुबह के जैसे ही 4 बजते मुर्गा बांग दे देता था। पहले टाइम में क्या होता था कि जो घड़ी है वो नहीं होती थी, तो लोग कैसे अंदाज़ा लगाते थे कि कितना बज गया है? क्योंकि मुर्गे का टाइम होता था 4 बजे सुबह बांग देना। तो जैसे ही 4 बजते थे मुर्गा बांग देता था, तो सबको पता चल जाता था कि क्या टाइम हो गया है। उसी के मुताबिक फिर वो लोग अपना कार्य करने लगते थे, अपनी दिनचर्या शुरू कर देते थे। तो क्या था कि ये गर्मी हो या बरसात, कड़ाके की सर्दी में भी मुर्गा 4 बजते ही बांग दे देता था। पशु पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी मुर्गे की बांग सुनकर अनुमान लगा लेते थे कि सुबह के 4 बज गए हैं। मुर्गे की बांग सुनकर ही सभी अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। अब क्या होता था कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन मुर्गा जो है 4 बजे बांग देना नहीं भूलता था। उसका नियम था कि वो 4 बजे ही बांग देगा। वहीं एक सांप बड़ा ही आलसी था। अब क्या हुआ कि उसकी दोस्ती एक सांप के साथ थी और वो बहुत ज़्यादा आलसी था, तो दिन भर वह अपने बिल में सोया रहता था, भूख लगने पर ही उठता। अब क्या था कि वो भूख लगने पर ही उठता था, शिकार करने में भी उसको आलस आता। कई बार तो वह मुर्गे के भोजन से ही अपनी भूख मिटाता था। अब क्या हुआ कि वो इतना आलसी था कि उससे कोई काम हो ही नहीं पाता था, और जब भी मतलब कोई काम बोल दो तो उसको आलस आता था और वो काम नहीं करता था। कई बार तो ये होता था कि जैसे मुर्गा उसका दोस्त था, तो मुर्गा ही खाना इकट्ठा करता था और वो उसी खाने को खाया करता था। तो क्या हुआ कि मुर्गा सांप को समझाता, मगर सांप उसकी एक बात कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मुर्गे की सांप से दोस्ती का सभी को पता था। अब क्या हुआ कि मुर्गा जो है उसको समझाता था क्योंकि वो उसका दोस्त था, लेकिन वो उसकी बात भी नहीं मानता था और क्या करता था कि उसकी एक बात कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। तो क्या होता था कि मुर्गे की सांप से दोस्ती का सभी को पता था। अब क्या हुआ कि मुर्गे से जो सांप की दोस्ती थी वो सभी को पता थी कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो एक दिन तोते ने मुर्गे से कहा, मुर्गे भाई बुरा मत मानना, तुम बहुत भोले हो। एक तोता भी रहता था वहाँ पर, तो उसने मुर्गे से बोला कि तुम बुरा मत मानना, तुम बहुत ही सीधे साधे हो। बुज़ुर्गों का कहना है कि मित्रता अपनी कुल और बिरादरी में ही फलती फूलती है। तो उसने कहा कि तुम जो है जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि बुज़ुर्गों का मतलब क्या होता है? बुज़ुर्गों का मतलब होता है कि बूढ़े लोग, पुराने टाइम के लोग ये कहा करते थे कि मित्रता, जब भी कोई किसी से फ्रेंडशिप होगी वो अपने कुल में ही और अपनी ही जाति में ही फलती फूलती है। जैसे कि आप भी हैं तो आप कोई शेर से तो दोस्ती करेंगे नहीं, आप किससे दोस्ती करेंगे? अपने फ्रेंड से करेंगे जो आप ही की तरह होगा। तो अब अगर आप शेर से दोस्ती करेंगे तो वह नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो मुर्गे को तोते की बात बहुत बुरी लगी। उसने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें हमारी दोस्ती भा नहीं रही होगी, तुम्हें क्या, मैं जो चाहे जो करूँ। ये सुनकर तोता चुप हो गया, लेकिन मुर्गे को तोते की बात बहुत बुरी लग गई क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था सांप जो था। तो उसने कहा कि शायद तुम्हें हमारी दोस्ती अच्छी नहीं लग रही, अगर तुमने आज के बाद ये बातें बोली तो मैं तुमसे भी दोस्ती तोड़ दूंगा। तो समय गुजरता गया, सर्दी के दिन थे। मुर्गा एक एक दाना चुनकर पेड़ की कोटर में जमा कर रहा था, तब ताकि बारिश के दिनों में खाने का गुजारा हो सके। शाम को जब मुर्गा चोंच एक और दाना लेकर आया तो कोटर में सांप मुर्गे का जमा भोजन हड़प चुका था। अब क्या हुआ कि उसने एक एक दाना चुगा मुर्गे ने,
और पेड़ की कोटर, आपने देखा होगा कि कई बार पेड़ का तना जो है बीच में से खोखला होता है, तो उसी को ही कोटर कहा जाता है। और उसमें वो क्या कर रहा था कि बारिश के दिन आने वाले थे, इससे पहले वो अपने खाने का इंतज़ाम कर रहा था। वो रोज़ जाता था, एक एक दाना चुगकर पेड़ की जो कोटर थी उसमें जमा करता जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मुर्गा बाहर गया तो सांप ने जो है उसके सारे दाने खा लिए। जब वो आया तो उसे बहुत गुस्सा आया, वह सांप पर भड़क उठा। उसने सांप से कहा, तुम मकार हो, आलसी हो, जरा से शर्म होती तो दिन भर शिकार करते और रात को आराम से सोते। तो उसने कहा कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि मैंने इतनी मुश्किलों से जो है खाना इकट्ठा किया और तुम मेरा खाना खा गए, और तुम इतने आलसी हो कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तुम दिन भर शिकार करो और रात को आराम से सो, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनकर तो क्या हुआ कि मगर तुम्हें तो नींद प्यारी है, उसने बोला, मेरे भोजन पर तुम्हारी हमेशा नज़र रहती है। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि मेरे भोजन पर जो तुम्हारी हमेशा नज़र रहती है, धूर्त कहीं के दोस्ती के नाम पर तुम तो कलंक हो। उसने क्या कहा कि दोस्ती के नाम पर तुम तो कलंक हो। सांप चुप रहा, मगर उसने ठान लिया कि इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लेना है। अब सांप को ये सुन के गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसने मन ही मन संकल्प लेते हुए कहा, मुर्गे बहुत फड़फड़ाता है ना, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब उसने मन में ठान लिया था कि इसको सबक सिखाना ही है मुर्गे को, जबकि मुर्गे ने कोई गलत बात नहीं कही थी। अब सांप मुर्गे को सबक सिखाने की युक्ति सोचने लगा। अब क्या हुआ कि सांप जो है मुर्गे को सबक सिखाने की तरीका सोचने लगा कि इसको कैसे सबक सिखाया जाए। उसने मुर्गे के साथ दोस्ती का व्यवहार नहीं छोड़ा, बल्कि वह दिखावे के लिए मुर्गे के लिए भी शिकार पकड़ कर लाता। अब क्या हुआ कि उसने उसके साथ दोस्ती का व्यवहार नहीं छोड़ा, लेकिन वो दिखावे के लिए भी मुर्गे के लिए शिकार पकड़ कर ले आता था। दोनों एक ही थाली में खाना खाते, मुर्गा मन ही मन सांप की दोस्ती पर नाश करता। तो क्या होता कि एक ही थाली पर वो लोग खाना खाते थे और मुर्गा जो है मन ही मन सांप की दोस्ती पर नाश करता कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। सांप जान चुका था कि मुर्गे को भोजन में मक्का के दाने बहुत पसंद हैं, तो अब सांप को उसके साथ रहते रहते ये पता चल गया था कि उसको जो है मुर्गे को मक्का के दाने बहुत पसंद हैं। एक दिन की बात है, दोनों पेड़ की कोटर में बैठकर सुस्ता रहे थे। सांप ने मुर्गे से कहा, अगर ये कोटर मक्का के दाने से भर जाए तो। तो अब क्या हुआ कि एक दिन का बात है कि दोनों बैठकर सांप और जो मुर्गा था दोनों बैठकर सुस्ता रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। तो सांप ने मुर्गे से कहा कि अगर ये कोटर मक्का के दानों से भर जाए तो। ये सुनकर मुर्गा उछल पड़ा। सांप ने आगे कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इस पेड़ के नीचे चूहों का महल है। उसने कहा कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इस पेड़ के नीचे चूहों का महल है। कल सुबह वह किसान के खेत में हमला बोल रहे हैं। तुम तो जानते हो कि किसान की मक्का की फसल पक चुकी है। कहता है, तुम तो जानते हो कि किसानों की जो मक्का की फसल है वो पक चुकी है, और चूहे जो है मक्का की फसल काटने से पहले ही अपना भंडार भरने वाले हैं। कल सुबह जैसे ही तुम बांग दोगे, चूहों का झुंड जो है किसान के खेतों में मक्का के दाने से अपना भंडार भरना शुरू कर देगा। तो उसने कहा कि जैसे तुम बांग दोगे, जितने चूहे हैं वो उसके बगीचे में चले जाएंगे, खेत में चले जाएंगे, और वहाँ से मक्का के दाने से अपना जो है भंडार भर लेंगे। उनका कई महीनों का प्रबंध तो हो ही जाएगा। अगर तुम रात के 12 बजे ही बांग दे दो तो उन्हें सुबह तक काफ़ी समय मिल जाएगा। जब वे अपना भंडार भर लेंगे तब मैं उन पर हमला बोल दूंगा। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि जब वो अपना भंडार भर लेंगे तब मैं उन पर हमला बोल दूंगा। मेरे डर से चूहे अपना भंडार क्या महल छोड़कर भाग जाएंगे, बस फिर क्या उनके भंडार पर हमारा कब्जा हो जाएगा। उसने कहा कि जो चूहे जो हैं मेरे डर से अपना भंडार और महल दोनों छोड़ के भाग जाएंगे, और जो जितना उन्होंने स्टोर किया हुआ है, जो भंडार है उनका, उन पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो मुर्गा सांप की बातों में आ गया। वह बोला, बस इतनी सी बात, तुम कहो तो मैं रात को 9 बजे ही बांग दे देता हूँ। तो उसने कहा कि क्योंकि सांप उसका मित्र था तो उसको लग रहा था कि वो जो करेगा उसकी भलाई के लिए करेगा और जो करेगा अच्छा ही करेगा। तो उसने
सांप से बोला कि मैं रात को 9 बजे ही बांग दे देता हूँ। अरे नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, जल्दी का काम शैतान का होता है। चूहे थक गए होंगे, उन्हें कुछ घंटे आराम तो करने दो, तुम रात के 12 बजे ही जोर जोर से बांग देना। अब तुम सो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नींद ही ना खुले और हमारी योजना धरी की धरी रह जाए। अब उसने बोला कि मैं 9 बजे बांग दे देता हूँ, तो क्या बोला उसने सांप ने? सांप ने कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, चूहे थक गए होंगे, लेकिन तुम अब 12 बजे ही बांग देना, अब तुम आराम कर लो। ये कहकर सांप सोने का नाटक करने लगा। उधर मुर्गे की आंखों में नींद कहाँ थी, वह तो मक्का के दाने की भंडार की कल्पना में डूब चुका था। अब क्या हुआ कि वहाँ पर मुर्गे को तो नींद नहीं आ रही थी और सांप भी चूटी मूट सोने का नाटक कर रहा था। तो उसने ये कहा कि जो उसने वो सपने में देखने लगा कि मेरे जो भंडार हैं वो मक्का के दाने से भर गए हैं। रात के 12 बज चुके थे, मुर्गे ने बांग देनी शुरू की। आसपास के पशु पक्षियों ने सोचा कि सुबह हो गई। अब क्या हुआ कि रात के जब 12 बजे तो मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दी। मुर्गे का क्या समय था बांग देने का? मुर्गे का समय था सुबह 4 बजे बांग देने का। तो उन्होंने सोचा कि सुबह हो गई। उधर मनुष्यों ने भी सोचा कि सुबह के 4 बज चुके हैं। सभी अपनी दिनचर्या के लिए उठे, सभी अपने घरों से बाहर आकर देखा तो आसमान में तारे चमक रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने रात को 12 बजे बांग दी, सारे जितने पशु पक्षी थे, मनुष्य थे, सबको लगा कि 4 बज गए और सब सुबह उठने लगे कि अपनी दिनचर्या का काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो सबको अंधेरा लगा और मुर्गा अभी भी बांग दे रहा था। पशु पक्षियों सहित मनुष्य भी बाहर अंधेरा देखकर समझ गए कि मुर्गे ने 4 बजे की जगह रात के अंधेरे में ही बांग दे दी है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि बाहर अंधेरा है तो पशु पक्षी और मनुष्य जितने भी थे समझ गए कि उसने 4 बजे की बजाय रात में ही बांग दे दी है मुर्गे ने। तो मुर्गे ने देखा कि एक भी चूहा बिल से बाहर नहीं आया है। तो उसने सांप से कहा, मुझे तो कोई चूहा नज़र नहीं आ रहा है। तो उसने अब देखा कि बिल से कोई भी चूहा बाहर नहीं आया और उसने देखा कि चूहे को क्या मेरी मांग सुनाई नहीं दे रही, उसने सांप से बोला। तो सांप ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, चूहे थक गए होंगे, तुम ऐसा करो बीच चौराहे पर जाकर जोर जोर से बांग दो। अब उसने क्या किया कि उसने सांप ने जवाब दिया उसको कि तुम ठीक कहते हो, चूहे थके होंगे, तुम ऐसा करो बीच चौराहे पर जाकर जोर जोर से बांग दे दो। बेचारा मुर्गा चौराहे पर जाकर बांग देने लगा। एक बार जाकर मनुष्य दोबारा सो चुके थे। अब क्या हुआ कि जो मुर्गा था चौराहे पर जाकर बांग देने लगा। तो एक बार जो सो चुके थे मनुष्य उठकर, तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया, वो लाठी लेकर चौराहे पर जमा हो गए और मुर्गा आँखें मूंद बांग देने में व्यस्त था। तो क्या किया कि लोगों ने मुर्गे को घेर कर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा मुर्गा जान बचाकर भागा। किसी ने कहा कि ये मुर्गा पागल हो गया है, इसने रात को ही बांग देना शुरू कर दिया है, इसके भरोसे रहना बेकार है, अब समय देखने के लिए हमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा जितने गांव वाले थे कि ये मुर्गा जो है पागल हो गया है और इसको कुछ होश नहीं है, ये किस टाइम बांग दे रहा है, अब इसके भरोसे रहना बेकार है, अब हमें समय देखने का कुछ और तरीका निकालना होगा। इसी तरह मक्कार सांप ने अपने अपमान का बदला ले लिया। धूर्त सांप से दोस्ती कर मुर्गे को बांग देने की साख भी गई। कहते हैं तभी मनुष्य ने समय देखने के लिए घड़ी का आविष्कार किया। तो क्या हुआ कि जो मक्कार था सांप, जो अच्छा नहीं था, धूर्त था, तो उसने क्या किया, अपने अपमान का बदला ले लिया। और जो धूर्त सांप से दोस्ती करने पर मुर्गे की जो बांग देने की साख थी कि मुर्गा 4 बजे बांग देता है, लेकिन सांप के कहने पर उसने गलत बांग दी थी, तो इसलिए उसकी साख भी चली गई। तभी से कहते हैं कि मनुष्यों ने समय देखने के लिए घड़ी का आविष्कार किया, तभी घड़ी का आविष्कार किया था जिससे हमें टाइम देखने के लिए आज की डेट में मिलता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप इसका वीडियो बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं आपको इसके कठिन शब्द, एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं इसको देखकर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।